मैंने पीरियड आने से एक दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें मुझे असल प्रॉब्लम पता चला कि मेरे फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, और वो लोकल एरियाज़ में स्प्रेड आउट है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और एमआरआई करवाया, तो फिर एमआरआई वाज लाइक डेड एंड टू मी, कि इसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और सोचना नहीं है। एमआरआई में एक बहुत प्रॉब्लम्स था, एडिनोमाइसिस था, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे और ब्लीडिंग पैच था, हेमरेजिक पैचेस थे। देन आई केम टू डॉक्टर भार्गवा के सीताराम भारतीय में, आई एम कमिंग हियर सिंस लास्ट 18 ईयर्स। मेरे यहाँ पर किडनी के टेस्ट होते हैं रेगुलरली, आई हैव सिंगल किडनी, मेरा एक ही किडनी है बाय बर्थ। तो आई यूज़ टू कम हियर फॉर माई इन्वेस्टिगेशंस, मेरा यहाँ पर DTPA स्कैन होता है। तो देन आई थॉट कि दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी गुड एंड प्लस नियर टू माई रेजिडेंस, सो आई शुड गेट माई सेल्फ चेक हियर। और यहाँ पर मैंने सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर आई कंसल्टेड, के आई वॉन्ट कंसल्टेशन फ्रॉम हर, तो दिस पीपल दे एडवाइस मी फॉर डॉक्टर भार्गव एंड आई टुक हर अपॉइंटमेंट। और मैंने उन्हें जब MRI दिखाया May 9th को, उनको मैंने MRI दिखाया एंड शी सेड के यू हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, आपका बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसे जो MRI बता रहा था मुझे। बीइंग इन मेडिकल लाइन, मैंने पहले ही सब पढ़ लिया था और कंसल्टेड ऑल माई फ्रेंड डॉक्टर्स जो भी मेरे साथ थे कुलीग्स। तो डॉक्टर भार्गव ने फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे बोल दिया था, भूपिंदर आपका यही ट्रीटमेंट है। तो फिर इट टुक मी जस्ट 2 days टू डिसाइड कि आई शुड गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। सिंस लास्ट 19 ईयर्स आई एम सफरिंग, लेट इट बी द एंड ऑफ माई प्रॉब्लम्स, आई डोंट वॉन्ट एनी अदर साइकिल। मेरा 26 को सर्जरी हुआ एंड टुडे इज 3rd, एंड एज यू कैन सी मी ऑन द स्क्रीन दैट आई कैन स्पीक सो मच, सो इट मस्ट बी दैट आई एम क्वाइट वेल फॉर माई डिजीज पार्ट एंड फ्रॉम माई डिजीज आई हैव क्योर्ड एनफ। माई स्टिचेज आर रिमूव्ड, जस्ट 2 stitches आर लेफ्ट एंड दैट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड आफ्टर 2 days। एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग माई हाउस होल्ड जॉब। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ वन इज सफरिंग और उसको बहुत पेन है और कुछ समझ नहीं आ रहा, एक अच्छे गायनी को कंसल्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट कि ये हमारा डेस्टिनी है, जो हमारा पेन है, पेन इज नेवर अ डेस्टिनी, गॉड डजंट वॉन्ट टू गिव यू पेन। एंड आई हैव सफर्ड एंड आई वॉन्ट दैट एवरी वन शुड बी रिलीव्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड हिस्टेरेक्टमी इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। एज यू कैन सी टुडे इज जस्ट 6th or 7th डे एंड मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और मैं घर से चल के भी नीचे उतर के आई, आई एम स्टेइंग ऑन द 1st floor एंड आई फील नाउ सो कॉन्फिडेंट कि आई कैन लुक आफ्टर माई किड्स, आई कैन, मैं वो नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगी जो मैं इतने सालों से मिस कर रही हूँ।